नमस्कार दोस्तों स्पेशल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे राइटिंग के टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग के बारे में दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग भी एक करंट मुद्दा है जो तो आपके एग्जाम में ग्लोबल वार्मिंग पर इस पर आपके टॉपिक आ सकता है ऐसे आ सकता है इस टॉपिक पर तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बता दूँ मैंने पहले ऐसे राइटिंग पर चार पाँच पार्ट बना चुका हूँ इलेक्शन पर मैंने ऐसे राइटिंग पर वीडियो अपलोड कर दिया है सर्जिकल स्ट्राइक पर कर दिया टेररिज्म पर कर दिया और अनएम्प्लॉयमेंट पर कर दिया तो जिन लोगों ने ये सारे वीडियोस नहीं देखे वो जाकर पहले वो वीडियोस देख सकते हैं ऐसे राइटिंग में ऐसे कैसे लिखना होता है और इन टॉपिक पर मैं ऐसे की वीडियो बना चुका हूँ और स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूँ सब लोग मुझसे एग्ज़ाम डेट पूछते कि सर एग्ज़ाम कब है तो दोस्तों अभी तक एग्ज़ाम की कोई ऑफिशियल डेट नहीं आएगा जब डेट आएगी तो आप सबको पता लग जाएगा मैं आपको वीडियो बना दूंगा अभी तो मुझे भी नहीं पता तो मैं कैसे गैस कर सकता हूँ कि एग्ज़ाम डेट कब है जो मैंने गैस किया था वो यही था कि अपने अप्रैल के लास्ट वीक में और मई के फर्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे आ जाने चाहिए तो अब बार बार लोग यही चीज़ पूछ रहे हैं तो दोस्तों मैं कैसे गैस कर सकता हूँ ये आप ही लोग ही बताओ जब आएगा नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा ठीक है तो चलिए अब आइए वैसे उम्मीद तो यही है कि अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए एग्ज़ाम की ठीक है तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमें जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन में हमें आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है या टॉपिक की डेफिनेशन लिखनी होती है उस इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में तो ग्लोबल वार्मिंग की हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है ग्लोबल वार्मिंग इज़ द प्रोसेस ग्लोबल वार्मिंग एक प्रोसेस है इन विच द अर्थ टेम्परेचर अर्थ स्टार्ट इंक्रीजिंग जिसमें अर्थ का टेम्परेचर गर्म होना स्टार्ट हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग ओकर्स वन कार्बन डाईऑक्साइड और ग्लोबल वार्मिंग तब होती है जब कार्बन डाई ऑक्साइड एंड द अदर एयर पोल्यूटेंट कार्बन डाईऑक्साइड और दूसरे जो हवा के पोल्यूटेंट्स हैं एंड ग्रीन हाउस गैसेज कलेक्ट इन द एटमोसफियर कार्बन डाईऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट्स और ग्रीन हाउस गैसेज ये तीनों एटमोसफियर में जब इकट्ठे हो जाते हैं एंड अब्जोर्व सन लाइट और सन sun को सनलाइट को अब्जॉर्व कर लेते हैं एंड सोलर से रेडिएशन डेट है बाउंस ऑफ द अर्थ सरफेस तो इन सब से मिलकर ग्लोबल वार्मिंग होता है तो ये इसकी डेफिनेशन हमने लिख दी अब हम आते हैं डिस्क्रिप्शन पर डिस्क्रिप्शन और बॉडी पार्ट में मैंने आपको बताया कि आपको जो टॉपिक मिला उसको एलोबरेट करना है एक्सप्लेन करना है और उसके कॉजेज लिख सकते हो इफेक्ट लिख सकते हो तो टाइप्स लिख सकते हो ये सब आप लिख सकते हो तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन ग्लोबल वार्मिंग इज द मेजर एटमॉस्फेयर इशू ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर एटमॉस्फेयर इशू है ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में अर्थ सरफेस बिकमिंग हॉट डे बाय दे अर्थ का जो सरफेस है वो दिन बर दिन हॉट होता जा रहा है या गर्म होता जा रहा है बाय ट्रैपिंग द सन सीज एंड राइस इन द लेवल ऑफ द एटमोसफियर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के बढ़ने से और सन की हीट के बढ़ने से जो ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है नेक्स्ट है द बैड इफेक्ट्स अब यहाँ पे हमने इफेक्ट्स बता दिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या इफेक्ट्स होते हैं द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ इट इंक्रीजिंग जो इसके बैड इफेक्ट है वो डे बाई डे बढ़ रहे हैं एंड कोजिंग मेजर प्रॉब्लम टू द लिविंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स और इसके कारण ह्यूमन बींग्स को रहने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है एज द क्लाइमेट वार्म्स अब अब यहाँ से मैंने बता दिया कि जो ग्लोबल वार्मिंग कैसे इफेक्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग कैसे इफेक्ट करता है एज द क्लाइमेट फोन जैसे ही क्लाइमेट गर्म हो रहा है इट चेंजेस द नेचर ऑफ द ग्लोबल रेनफॉल तो ये ग्लोबल रेनफॉल के नेचर को चेंज कर रहा है एवोप्रेशन का नेचर को चेंज कर रहा है स्नो के नेचर को चेंज कर रहा है स्ट्रीम फ्लो मतलब जो नदियाँ नदियाँ बहती है उसके नेचर को चेंज कर रहा है एंड अदर फैक्टर्स डेट अफेक्ट्स द वाटर सप्लाई एंड क्वालिटी और भी जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं वाटर सप्लाई और क्वालिटी इन सब को जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इफ़ेक्ट कर रहा है नेक्स्ट है स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स इंक्लूड और जो स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स है प्रभाव है वो है वार्मर वाटर टेम्परेचर अफेक्ट्स वाटर क्वालिटी एंड एक्सलेट वाटर पॉल्यूशन जो ज़्यादा वाटर टेम्परेचर का जो वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है वो वाटर की क्वालिटी को इफेक्ट करता है और वाटर पोल्यूशन को एक्सलेट करता है या वाटर पोल्यूशन को बढ़ाता है नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है द मेजोरिटी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर एक्सपीरियंस बाय द पुअर जो ज़्यादा इफ़ेक्ट्स है क्लाइमेट चेंज का वो ज़्यादातर पुअर लोग एक्सपीरियंस करते हैं एंड लो इनकम कम्युनिटीज़ और जो अराउंड द वर्ल्ड और जो लो इनकम कम्युनिटीज है अराउंड द वर्ल्ड वो ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स को एक्सपीरियंस करते हैं हु हैव मच लोअर लेवल्स ऑफ़ कैपेसिटी अवेलेबल फॉर कोपिंग विद दी एनवायरमेंटल चेंज ये हु आया है पुअर पीपल के लिए जिनके पास लोअर लेवल ऑफ कैपेसिटी कम होती है मतलब जिनके पास कैपेसिटी कम होती है ताकि वो एनवायरमेंटल में जो चेंज हो रहे हैं उनसे कोप कर सके कोप कर सके या लड़ सके इसलिए पुअर लोग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं क्योंकि पुअर लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते ज़्यादा संसाधन नहीं होते कि वो इन एन्वायरमेंटल में जो चेंज हो रहा है इनसे लड़ सके नेक्स्ट हमारे पास ए रिपोर्ट ऑन था ग्लोबल ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज पब्लिश बाय द ग्लोबल ह्यूमटेरियन फॉम 2019 टू थाउजेंड एक रिपोर्ट पब्लिश कई पब्लिश की गई ऑन ग्लोबल ह्यूमन इम्पैक्ट पर यह पब्लिश की गई ग्लोबल ह्यूमटेरियन फोम द्वारा दो में एस्टिमेट मोर देन थ्री लाख डेथ्स जिसने एस्टिमेट किया कि तीन लाख से ज़्यादा डेथ्स हो रही है और अबाउट वन टू फाइव बिलियन इन इकोनॉमिक लोजेज ईच ईर और हर साल तीन लाख से ज़्यादा डेथ हो रही है और हर साल वन फाइव बिलियन का इकोनॉमिक लोसिज हो रहा है हर साल तो ये रिपोर्ट ने बताया रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ह्यूमिटेरियन फोर्म इन 2019 में ये बताया अब हम इसके कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन और बॉडी पार्ट में आप और भी बहुत ज़्यादा इंक्लूड uh, कर सकते हो इसके कॉजेज और इफ़ेक्ट्स ठीक है अब चलते हैं कंक्लूजन पार्ट में कंक्लूजन मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ की हमें समरी लिखनी है जो भी टॉपिक हमें मिला उसकी समरी लिखनी है कंक्लूजन आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए कंक्लूजन ठीक है तो देखते हैं अब ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है ऑफ द बिग सोशल इशू बड़े बड़े सोशल इशू का एक बड़ा सब्जेक्ट बन गया है विच नीड जिसको ज़रूरत है सोशल अवेयरनेस सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है टू ए ग्रेट लेवल पीपल शुड नो इट्स मीनिंग लोगों को इसका मतलब पता होना चाहिए कोशिश इसके कोशिश के बारे में पता होना चाहिए इसके इफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए एंड सॉल्यूशन टू सॉल्व इट इमीडिएटली और इसके सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए ताकि इसे इमीडिएटली सॉल्व किया जा सके पीपल शुड कम फोर्थ टुगेदर लोगों को एक साथ आगे आना चाहिए कम फोर्थ together मतलब एक साथ आगे आना चाहिए फोर्थ मतलब कम फोर्थ का मतलब होता है आगे आना ठीक है एक साथ आगे आना चाहिए एंड ट्राई टू सोल्व इट इन ऑर्डर टू सेव लाइफ और द ऑन द अर्थ और ट्राई करना चाहिए कि इसे सोल्व करें इन ऑर्डर टू सेव लाइफ ऑन द अर्थ अर्थ पे लाइफ को सेव करने के लिए तो ये सब इसकी ये कंक्लूजन हो गया जो हमने पॉजिटिव लिखा आप इसमें ये भी लिख लिख सकते हो कि गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छे स्टेप्स आ रही वो बहुत अच्छे स्टेप उठा रही है अच्छे अच्छे जो स्कीम्स चला रही है ताकि ग्लोबल वार्मिंग कब हो सके पॉल्यूशन कम हो सके तो यह सब इंक्लूड कर सकते हो लेकिन पॉजिटिव इंक्लूड करना है भले ही गवर्नमेंट कर रही है नहीं कर रही हो तो ये थी हमारा आज का ऐसे आई हो वीडियो पसंद आई होगी पसंद आए हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों जैसे ही आपकी एग्जाम की डेट आई है मैं आपको पूरा अपडेट दे दूंगा लेकिन तब तक आप तैयारी करते रहे धन्यवाद दोस्तों आज के लिए बस इतना ही